नमस्कार दोस्तों, आपका टेक्निकल जोन में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको BSNL की सेटिंग बताने वाला हूँ, जिससे आपकी नेट की स्पीड जो है डबल स्पीड हो जाएंगी, यानी फास्ट हो जाएगा पहले से। तो दोस्तों, ये टेक्निक यूज़ करने के पहले आपके एरिया में प्रॉपर BSNL का कनेक्शन होना चाहिए, सिग्नल अच्छे से आना चाहिए। हमारे एरिया में सिग्नल बहुत अच्छे तरह से आता है, तो ये ट्रिक काम कर जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सेटिंग में चले जाइए, मोबाइल के सेटिंग में। चलिए मैं सेटिंग में चल जाता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे मोर ऑप्शन है, मोर में चले जाइए। फिर मोर में चले जाने के बाद दोस्तों, आप सेल्यूलर नेटवर्क में चल जाइए। तो यहाँ पे दोस्तों, ये प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप में जाके आपको 3G 2G है सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो BSNL में 4G अवेलेबल नहीं है अभी, तो हमें 3G रिकमेंडेशन करना पड़ेगा। 3G को सेलेक्ट कर दीजिए। तो 3G करने के बाद दोस्तों, आप एक्सेस पॉइंट में आ जाइए। एक्सेस पॉइंट नेम ये देखिए दोस्तों, क्लिक कीजिए उसमें। तो मैंने पहले से सेट करके रखा हूँ दोस्तों, तो आपको बताने के लिए फिर से ये कर देता हूँ। यहाँ पे एक प्लस का सिंबल है, यहाँ पे प्लस का में क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे नेम जो है सेट करना पड़ेगा आपको, तो नेम डाल दीजिए, कैपिटल में डालना है दोस्तों, BSNL GPRS, BSNL GPRS, इसको ओके कर दीजिए। फिर उसके बाद APN में आपको स्मॉल में टाइप करना है, BSNL नेट, BSNL NET नेट, फिर इसे ओके कर देना है दोस्तों। फिर उसके बाद APN टाइप में जाना है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है दोस्तों, ये डिफ़ॉल्ट ओके। फिर उसके बाद नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। तो दोस्तों, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र स्टेट में। तो उसका MCC कोड है 404 और MNC कोड है 666। तो आप अगर आउटसाइड दूसरे महाराष्ट्र से अलग इसमें रहते हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट में, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, नेट में भी सर्च मार सकते हैं दोस्तों। तो उसके नीचे आते हैं APN प्रोटोकॉल में। तो ये देखिए, मैं APN प्रोटोकॉल में आ चुका हूँ, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो इसे दोस्तों, हमें लास्ट वाले सेक्शन में जाना है, IPv4/IPv6, इसमें सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। ये देखिए, मेरा सेलेक्ट हो गया है। तो वैसे ही नीचे में भी APN रोमिंग प्रोटोकॉल है, इसमें भी वैसे ही करना है दोस्तों। नीचे का, सबसे नीचे का सेलेक्ट कर लेना है, IPv4/IPv6 सेलेक्ट। फिर उसके बाद दोस्तों, अब नीचे में बैरियर, बैरियर में सेलेक्ट करना है दोस्तों। बैरियर में आप का जो सिम है, कौन सी स्पीड दे रहा है, यानी कि कौन से इसका रिचार्ज मारे हैं आप, उसके हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ता है दोस्तों। तो मेरा रिचार्ज जो है 3G का डेटा पैक मारा हूँ मैंने, तो UTMS सेलेक्ट कीजिए। और लाइट भी सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी लाइट का ये देखे है, तो मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिया है। और इसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद दोस्तों, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तीन डॉट दिए हुए आपके राइट साइड में, इस पे जाने का है, क्लिक करने का है, और सेव सेव ऑप्शन करके सेव दबा देने का। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, एक नया APN है, क्रिएट हो चुका है। तो फिर से बैक लेते हैं। अब आप अपने नेट की स्पीड चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, किसी किसी मोबाइल में दोस्तों रिस्टार्ट के लिए पूछता है, और किसी किसी के में नहीं पूछता है। तो मेरे इसमें रिस्टार्ट करना ज़रूरी है, इसलिए मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आप ट्राई करके देख सकते हैं, नेट काफ़ी अच्छा चलता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।